काका जूनियर स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम एक मूवी के बारे में फैक्ट्स जानेंगे और भाई उस मूवी की बहुत चर्चा हुई है। कौन सी मूवी के फैक्ट्स जानने जा रहे हैं बताएंगे मौजम। टाइटल है 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट कंटारा मूवी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल का आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। कांतारा एक बहुत ही ब्रिलियंट सिनेमा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और शायद सबके लिए भी। फिल्म को जितना एनालाइज किया जाए उतना कम है क्योंकि इसका नैरेटिव बहुत ही सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर बहुत ही ज़्यादा डीपली लेयर्ड भी है। माय नेम इज़ विशाल आल्सो नोन एज वी, एंड इस वीडियो में मैं आपको कांतारा के रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताऊँगा जो शायद आप ना जानते हों। बाय द वे ये मेरी पहली फैक्ट वीडियो है। AK और अदर टीममेट्स हैव बीन वेरी बिजी विद दिवाली एंड अदर स्टफ ऑफ लाइफ, एंड मैं भी थोड़ा बीमार था इतने दिनों से, सो अपोलॉजीज फॉर नो अपलोड्स। सो इन अ वे आई एम मेकिंग अ कमबैक फ्रॉम दिस वीडियो। इस फैक्ट वीडियो में आपको बिहाइंड द सीन फैक्ट्स कि फिल्म कैसे बनी और फिल्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की और इसमें दिखाए गए हिडन रेफरेंसेस, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फैक्ट नंबर वन, कांतारा फिल्म की जो स्टोरी है कुछ इस तरह की है जिसमें रियलिज्म भी है और काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके भी इसमें दिखाया जाता है। दिस मेक्स कांतारा अ वेरी यूजुअल मासी फिल्म, और इसमें दिखाए गए स्पिरिचुअल नैरेटिव की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था और उन्हें लगता था कि फिल्म काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगी या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। After getting rejected by a lot of producers, Rishabh Shetty ने खुद decide किया कि वो इस फिल्म को produce करेंगे और direct भी करेंगे। अब जब कंटारा हिट हो चुकी है तो definitely ये decision बहुत ही अच्छा रहा Rishabh Shetty के लिए, because 16 करोड़ के budget पे बनी फिल्म ने बहुत सारा profit earn किया है, and that makes Rishabh Shetty पैसा ही पैसा। Fact number 2, कंटारा में हमें कई सारे powerful scenes देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक सबके फेवरेट सीन्स वही होंगे जिसमें भूत कोला डांस दिखाया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सारे सीन्स को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया, ऋषभ शेट्टी ने इन कुछ ही सीन्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म में जब उनका कैरेक्टर खुद ही डांस परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वो उस वक्त डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ही वॉज सो मच इन द मेकअप एंड द होल वाइब ऑफ द सीन। इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए राज शेट्टी की हेल्प ली थी। राज शेट्टी कन्नड़ा सिनेमा के एक रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर हैं, और दोनों ही एक्टर्स ने इससे पहले गरुदा गमाना जैसी कल्ट फिल्म में एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर 3, एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनको फिल्म का आइडिया बेसिकली एक रियल लाइफ सीन से आया। ये सीन एक्चुअली फिल्म में भी आता है जहाँ पर आपने देखा होगा कि गन फायर की जाती है पर वो दोनों साइड चल जाती है। उन्होंने बताया कि उनके कज़न ब्रदर के पास एक पुरानी सी गन थी जो हमेशा फायर करते हुए बैक फायर हो जाती थी, सो इसीलिए जब भी वो कोई गन चलाता था तो वो बैकफायर होके उन्हें ही लग जाती थी। ये गन बैकफायर करने वाली स्टोरी ऋषभ शेट्टी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इसी स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करके फिल्म में दिखाया है। फैक्ट नंबर 4, कांतारा में जो हम गांव देखते हैं उसकी आर्ट डायरेक्शन पे बहुत मेहनत की गई है। ये पूरा गाँव कोई असली गाँव नहीं है, इसको एक्चुअली में क्रिएट किया गया है। आई वॉज जस्ट अमेज बाई नोइंग दिस फैक्ट कि ये एक्चुअली काफ़ी ऑथेंटिक और रियल लग रहा था। इसको वैसे बनने में तो 2 महीने का वक्त लगना था बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ रेन्स इसको बनने में 6 महीने का टाइम लगा। सो जस्ट इमेजिन इस पूरे गाँव को बनने के लिए आधे साल का वक्त लगा, एंड दैट इज़ वाई फिल्म में पूरा गाँव बहुत रियल लगता है बिकॉज बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, कांतारा को ओरिजिनली ऋषभ शेट्टी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज करना चाहते थे बिकॉज उन्हें लगा कि फिल्म कल्चरली बहुत ज़्यादा रूटेड है और ये चीज़ दूसरी इंडस्ट्री के ऑडियंस को शायद समझ ना आए। कांतारा के रिलीज़ होने के बाद ये फिल्म एक तरह से वायरल हो गई। इसके रिव्यूज़, इसके पब्लिक ओपिनियंस इतने पॉपुलर हुए कि एक मास मूवमेंट सी क्रिएट हो गई कि इस फिल्म को बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ किया जाए। इसी हाइप को देखते हुए फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू में भी रिलीज़ करने का डिसीजन लिया गया। फैक्ट नंबर 6, कांतारा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही 3 महीने पहले पूरी कास्ट उस गांव में जाके रहने लग गई थी, और उस गांव में जाके रह के सिर्फ यू नो वो एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं रह रहे थे, वो एक्चुअली में गांव वालों की तरह रह रहे थे, वही कपड़े पहन रहे थे और उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे। एक एक्टर का इतना मेथड लगाना तो समझ आता है बट पूरी लीड कास्ट का इस तरह से रहना, डेफिनेटली दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। फैक्ट नंबर 7, ऋषभ ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें फिल्म शूट करते हुए ऐसे लग रहा था कि उन्हें एक डिवाइन प्रेजेंस प्रोटेक्ट कर रही है।
देखो हुआ क्या कि ये फिल्म पेंडेमिक के अराउंड शूट होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी कंट्री में केसेस बढ़ रहे थे, कभी प्रोडक्शन के इश्यूज एसेट्रा एसेट्रा। पर हमेशा ऋषभ को लगता था कि ये फिल्म वो पूरी करके ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसा फील हुआ कि उन्हें ऑलरेडी कोई सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज एबल टू कंप्लीट दिस मूवी। डैम। फैक्ट नंबर 8, ऑडियंस का रिस्पांस कांतारा को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा है। कितनी बार तो लोगों ने फिल्म देखते हुए एक्चुअली कुछ फील किया है अपने अंदर। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैंगलोर के थिएटर में देखने को मिला, जहां पर एक औरत एक्चुअली फिल्म देखते हुए चीखें मारने लग गई थी, एंड हर कोई एक्चुअली में काफ़ी शॉक्ड हो गया था। इसके बारे में मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इस फिल्म की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि डेफिनेटली सम पीपल माइट हैव फेल्ट समथिंग। फैक्ट नंबर 9, ऋषभ शेट्टी के साथ साथ उनकी वाइफ प्रगति शेट्टी ने भी कांतारा में काम किया है। प्रगति फिल्म की मेन कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और उन्होंने ही हर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के कई टाइमलाइंस हैं, लाइक 1990s, 1800s या उससे भी पहले, सो इसके कॉस्ट्यूम वर्क में काफ़ी रिसर्च गई है, एंड इन माई ओपिनियन कॉस्ट्यूम वर्क काफ़ी ब्रिलियंट है। फैक्ट नंबर 10, कांतारा में हमें कंबाला फेस्टिवल देखने को मिलता है, जहां पर विलेजर्स के बीच एक बफेलो रेस कराई जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था फिल्म में, क्योंकि इससे शिवा के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। इस सीन को रियलिस्टिकली दिखाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने अराउंड 1 month की प्रिपरेशन की थी, जहाँ पर वो बफेलोज के ऊपर राइड करना सीखा था। डेफिनेटली इट वॉज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन बिना स्टंट डबल के करना, आई वॉज जस्ट अमेज बाय दिस सीन। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ चैलेंजिंग डिसीजन, बिकॉज वो सारे स्टंट्स खुद करना चाहते थे और उसी दौरान उन्हें बहुत इंजरीज भी आई, एंड इन माई ओपिनियन दे हैव पुल्ड ऑफ दीज सीन्स रियली वेल। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं हिडन रेफरेंसेस की बात करूँ तो कांतारा में कई लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिवा के कैरेक्टर में लॉर्ड शिवा के कई सारे रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा हैज़ 2 sides ऑफ हिम, वन इज़ द डिस्ट्रक्टिव साइड एंड वन इज़ द प्रोटेक्टर साइड, उसी तरह से शिवा को भी फिल्म में दिखाया जाता है। एक टाइम पे वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नशे कर रहा है, यू नो क्या क्या नहीं कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही बिकम्स द प्रोटेक्टर फॉर एवरीवन। इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम शिवा रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, कांतारा की जो फीमेल लीड हैं उनका नाम है सप्थामी। फिल्म में हम उन्हें लीला का कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक्चुअली में इंस्टाग्राम के थ्रू पहली बार ऋषभ शेट्टी ने ही स्पॉट किया था। जिस तरह से उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट रॉ, और मुझे तो लगा था कि ये एक्चुअली में एक्ट्रेस ऐसी ही दिखती हैं, बट व्हेन आई सॉ हर इन द इंटरव्यूज आई वाज लाइक टोटली सरप्राइज्ड कि वो रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी। दैट एक्सप्लेन्स कि उन्होंने एक एक्टर कितना परफेक्शन से प्ले किया है, एंड वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि उनकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में तो एक्ट्रेस इतनी अच्छी एक्टिंग कर भी नहीं पाती हैं यूजुअली। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज। आपको उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फैक्ट नंबर 13, कांतारा के जो एक्शन सीन्स थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। इन एक्शन सीन्स की स्पेशल बात ये थी कि ये रियलिस्टिकली होने के साथ साथ बहुत मासी भी थे। दिस इज़ अ रियली टफ बैलेंस टू फिगर आउट फॉर एनी फिल्म मेकर, और हमने ऐसी कितनी फिल्म्स देखी हैं जो ये चीज़ करने में फेल हो जाती हैं। पर ऋषभ शेट्टी और उनकी एक्शन टीम ने बहुत क्लोजली एक्शन पर काम किया था, और इसी वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स इतने पावरफुल लगते हैं। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। फैक्ट नंबर 14, कांतारा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुरली का, जिसे एक्टर किशोर ने प्ले किया है। हम फिल्म में मुरली को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते हैं, जो हमेशा शिवा के कैरेक्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ये एक बहुत ही लेयर्ड रोल था, जिसे किशोर ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो किशोर की एक्टिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं, एंड वो दिल से चाहते थे कि वो इस फिल्म में मुरली का रोल प्ले करें। मेरे ओपिनियन में किशोर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, वी कैन से विद फुल श्योरिटी कि कांतारा विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ 2022। दिस इज़ बिकॉज फिल्म का मेकिंग बजट सिर्फ 16 crores का था, और अब तक फिल्म ने मोर देन 200 crores का बिजनेस किया है। दिस एक्चुअली शोज द पावर ऑफ गुड सिनेमा, एंड एज अ सिनेफाइल इट रियली मेक्स मी हैप्पी कि लोग इस तरह की फिल्म को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं।
Alright, that's all for this video. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी बताना कि आपका कंतारा को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और आप भी अगर कोई नया फैक्ट जानते हैं मूवी के बारे में तो उसको भी आप डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। भाई कंटारा मूवी वैसे हमने अभी तक नहीं देखी क्योंकि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आई, लेकिन हाँ मैंने तारीफ काफ़ी ज़्यादा इसकी सुनी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये पसंद आ रही है। बिल्कुल, मैंने भी भाई बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन तारीफ के साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि हम लोगों को, मतलब अब हमारी बात करें कि शायद ये इतनी अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीच में जिक्र किया कि स्टोरी जो है वो स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर, मतलब एक स्क्रिप्ट में आपको नज़र आती है, तो अगर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होगा तो फिर मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए जिसको मतलब नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है सीखना, समझना। बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग समझ पाएँ कि कंतारा मूवी जो है वो हमें समझ आई है या नहीं आई, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से इसकी तारीफ़ की है और जो हम लोगों ने फैक्ट्स आज जाने भी हैं, आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं। जितनी मेहनत उन्होंने की है, लाइक प्रॉपर एक गाँव बनाया ओरिजिनल, हालांकि जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो हम लोग को कहीं पर भी ये चीज फील नहीं हुई थी, हम लोग को लग रहा था कि ओरिजिनल लोकेशन पर गए हुए। यार इस मूवी के अगर मैं बहुत सारे यानी 15 फैक्ट्स हैं, उनमें से हमें किसी का भी नहीं था मालूम, ठीक है ना। जैसे क्या नाम लेते हैं, किसी प्रोड्यूसर ने जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और उन्होंने फिर खुद ही प्रोड्यूस की। और वैसे समटाइम्स क्या था कि छोटे बजट में भी ना आपको बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट जो है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज जो है वो देखने को मिलती हैं। और अगर पास्ट में ही बात करें, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत बड़े बजट की नहीं रही, लेकिन अगर उनकी बात करें बिजनेस का, उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया है। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी यहाँ का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया, लाइक जो बड़ी बजट की होती हैं और बड़ी हाइप क्रिएट होती है वो अक्सर हम देखते हैं कि उस तरह से बिजनेस नहीं कर पा रही, जैसे कि एक छोटे बजट की, या फिर बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, लोगों की डिमांड अभी है। बिल्कुल, आज के टाइम में अगर बात की जाए तो एक मूवी की स्क्रिप्ट और साथ साथ उसका जो BGM है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अभी भी इसमें जो खासतौर पर जो एक म्यूजिक है ना, जो कि हम बार बार कहते हैं बहुत पावरफुल है सिनेमा में, अगर आपने देखा यानी कि सुनी ये म्यूजिक को सुना हो तो आप पे वाकई एक अलग तरह का जो है इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप हेडफोन में भी सुनते हैं ना, आपको वो जो म्यूजिक है वो उसका एक इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। और जैसे बताया भी गया कि सिनेमा में कुछ लोगों को इस मूवी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। हाँ, आई डोंट नो कि वो उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों पे वैसे होता है कि लोग उस जोन में भी चले जाते हैं एक लेकिन मुझे खैर आइडिया नहीं है कि उनकी क्या फीलिंग होती है उस टाइम पर। बट ये है कि भाई मूवी के बारे में जितनी भी तारीफ हम लोगों ने सुनी है, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू सुने हैं इसके बारे में, और हम कहेंगे कि जाहिर सी बात है जो टीम है, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लीड रोल कर रहे हैं उनके साथ साथ जो बाकी की टीम है उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, कि जिस तरीके से वो लोग भी गांव में जाकर रहना शुरू हो गए 3 महीने पहले ही। हाँ। तो मतलब मैंने वैसे आज तक नहीं सुना, हो सकता कि पहले कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई कास्ट इस तरीके से जो है वो किसी भी सेट पे या पहले से इस तरीके से घुल मिल जाना और एक प्रैक्टिस करना, हम कहेंगे रिहर्सल करना शुरू हो जाए। क्योंकि हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना था कि जैसे रणवीर सिंह है वो जब खिलजी का उन्होंने करेक्टर किया था तो वो उसमें बड़ा इन्वॉल्व हो गए थे, तो अक्सर हम लोग जो लीड रोल है उनका सुनते हैं कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको फिर किसी साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन पूरे क्रू का बीच में इन्वॉल्व होना मुझे लगता है कि ये वाकई में आपको नजर आता है कि काफी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन्होंने काम किया। यार एक और चीज है, एक मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड एक्टर भी खुद होना और सारे रोल जो है वो खुद प्ले करना, ये भी एक बहुत हिम्मत वाली बात है। फिर उसके बाद साथ साथ अगर देखा जाए, जैसे उन्हें जो आइडिया आया मूवी बनाने का, जो गन का खास तौर पर कि बैकफायर हो जाती है, ठीक है ना, वो यानी कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान के दिमाग जो है ना वो बहुत तरीकों से काम करता है, बहुत तरीकों से सोचता है, ये बस उस शख्स पे जो है वो डिपेंड करता है कि वो होने वाली जो चीज़ है उसमें अपॉर्चुनिटी जो है किस तरह जो है तलाश कर रहा है। अभी जैसे मूवी की जो है लीड एक्ट्रेस की भी बात की गई, ठीक है ना, वो भी जो है इंस्टाग्राम से सपोर्ट किया गया उन्हें। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि वाकई में किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं आपको नहीं पता था, मेहनत करनी होती है जिंदगी में,
लेकिन एक चीज ये कि ये जो बैक फायर वाली बात बीच में की गई है ना, अभी जब मैं मूवी देखूंगी ना तो मैं जहन में जरूर रखूंगी कि इस पॉइंट को लेकर बाकी मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये किस तरह से स्टार्ट होती है, मे बी कुछ इस तरह का पॉइंट है, जरूर बताइएगा। वैसे आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, कोई स्पॉइलर नहीं हमें दे रहा हम लोगों को, बल्कि मुझे लगता है कि अगर समझ नहीं आ रही होगी ना मूवी की तो बाकी जो पहले चीजें देख रहे हैं उससे हमें मे बी कुछ बेटर लग जाएगी। बिल्कुल। एनीवे गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, आप जरूर बताइएगा कि क्या मूवी देखकर भी आपको इन फैक्ट्स के बारे में पता था, और अगर मूवी देखी है तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, और अगर नहीं देखी तो कब देखने जा रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।